नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है जीबीसी ब्रेकिंग में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सलमान खान की फिल्म राधे के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। आप लोगों को बताएंगे कि राधे फिल्म ने अपने OTT बॉक्स ऑफिस पर कितने करोड़ रुपए का कारोबार किया। वहीं दूसरी तरफ बात करेंगे अभिषेक बच्चन की फिल्म बिग बुल के OTT बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में और जानेंगे कि इन दोनों फिल्मों ने किसने मारी OTT बॉक्स ऑफिस पर बाजी। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं, देखते रहेगा पूरा वीडियो। दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं सलमान खान की फिल्म राधे के बारे में। तो दोस्तों आप लोगों को पता चले सलमान खान की फिल्म राधे 13 मई के दिन OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज कर दी गई थी। जी हाँ, तो दोस्तों आप लोगों को पता चले कि सलमान खान की फिल्म राधे में आप लोगों को नजर आए थे रणदीप हुड्डा, वहीं उनका साथ देते हुए नजर आए थे जिशा पटानी। और दोस्तों आप लोगों को पता चले कि इस फिल्म में J.K. सर्रफ भी नजर आए थे। सलमान खान की जोरदार एक्टिंग और ढांसू परफॉर्मेंस की वजह से ये फिल्म को बहुत ही ज़्यादा प्यार किया, लेकिन हेटरों ने बहुत ही ज़्यादा हेट भी किया। इसके बावजूद भी ये फिल्म अपने OTT बॉक्स ऑफिस पर अच्छा खासा कलेक्शन कर गई। दोस्तों वहीं बात कर लेते इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो दोस्तों आप लोगों को पता चले कि इस फिल्म ने अपने पहले ही दिन OTT बॉक्स ऑफिस पर 105 करोड़ रुपए का कारोबार करके बहुत ही शानदार तरीके से ओपनिंग ली थी और हेटरों के मुंह पे जोरदार तरीके से तमाचा पड़ा था। दोस्तों आप लोगों को पता चले कि सलमान खान ने अपने पहले ही हफ्ते में जोरदार तरीके से कलेक्शन किया। उससे पहले बात कर लेते हैं इसके दूसरे दिन के OTT बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो दोस्तों आप लोगों को पता चले कि इस फिल्म ने अपने दूसरे दिन 72 करोड़ रुपए का कारोबार किया था OTT प्लेटफॉर्म पे। इसी के साथ इस फिल्म ने अपने एक हफ्ते में दोस्तों आप लोग बताते चले कि इस फिल्म ने राधे फिल्म ने अपने एक हफ्ते में OTT बॉक्स ऑफिस पर 350 करोड़ रुपए आंकड़ा पार कर दिया। दोस्तों आप लोग बताते चले कि राधे फिल्म को आज 39वां दिन है और अपने 39वें दिन भी अच्छा खासा कारोबार कर रही है OTT प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों आप लोग बताते चले कि यह अपने आज के दिन OTT प्लेटफॉर्म पे 5 करोड़ रुपया कारोबार कर रही है। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि ये अपने OTT प्लेटफॉर्म पे आज के दिन 5 करोड़ रुपया कारोबार कर पाएगी कि नहीं? आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। दोस्तों इसी के साथ सलमान खान की अभी तक जो कि राधे फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो दोस्तों आप लोग बताते चले कि सलमान खान की अभी तक राधे फिल्म ने जो कि 500 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया अपने OTT प्लेटफॉर्म पे और सलमान खान की जिंदगी की सबसे बड़ी फिल्म राधे बन चुकी है। जी हाँ, सो दोस्तों अगर आप लोगों ने राधे फिल्म देखी है तो आप लोगों को राधे फिल्म कैसी लगी आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। दोस्तों वहीं बात कर लेते हैं दूसरी तरफ अभिषेक बच्चन की फिल्म बिग बुल के बारे में। तो दोस्तों आप लोगों को पता चले कि इस फिल्म को भी जो कि OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज कर दिया गया था और इस फिल्म को भी ऑडियंस ने बहुत ही ज़्यादा प्यार दिया। दोस्तों इससे पहले आप लोगों को पता चले कि अभिषेक बच्चन की बिग बुल मूवी में आप लोगों को इलियाना डीक्रूज, निकिता दत्ता और दोस्तों अभिषेक बच्चन नजर आए थे जोरदार तरीके से एक्टिंग करते हुए। दोस्तों आप लोगों को पता चले बुल मूवी को जो कि Disney+ हॉटस्टार पर रिलीज कर दिया गया था और इस फिल्म ने अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखाया। दोस्तों इससे पहले आप लोगों को बता देते कि ये किस पर आधारित है और किस पर बनाई गई। तो दोस्तों आप लोगों को बताते चले कि बिग बुल मूवी जो कि अभिषेक बच्चन ने जो कि इस फिल्म में एक्टिंग कर रहे हैं जोरदार तरीके से, यह फिल्म 1992 में जो कि स्कैम हुआ था शेयर मार्केट पर, उसी को दर्शाया गया था। किस तरीके से बिग बुल मूवी में शेयर मार्केट को घोटाला किया था और किस तरीके से चूना लगाया था बैंकों को, इसी में बताया गया था। और दोस्तों आप लोगों को पता चले कि यह बहुत ही जोरदार तरीके से इस फिल्म में एक्सप्लेन किया गया है किस तरीके से शेयर मार्केट को भी चूना लगा दिया जा सकता है। दोस्तों वहीं बात कर लेते हैं इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो दोस्तों आप लोगों को पता चले कि अभिषेक बच्चन की जिंदगी की सबसे बड़ी फिल्म साबित हो गई है और दोस्तों इस फिल्म ने अपने पहले ही दिन 15 करोड़ रुपये का कारोबार किया था OTT बॉक्स ऑफिस पर। और दोस्तों आप लोगों को पता ही चले कि इस फिल्म ने अपने दूसरे दिन अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखाया था OTT बॉक्स ऑफिस पर और कमाए थे 5 करोड़ रुपए। जी हाँ, दोस्तों आप लोगों को पता ही चले कि अभिषेक बच्चन की यह फिल्म जोरदार तरीके से कारोबार कर रही है अपने OTT बॉक्स ऑफिस पर अभी भी। दोस्तों वहीं बात कर लेते हैं इस फिल्म के आज के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। दोस्तों आज इस फिल्म को 74वां दिन है और अपने 74वें दिन में भी अच्छा खासा कारोबार कर रही है OTT बॉक्स ऑफिस पर। इससे पहले आप लोगों को पता चले कि अभिषेक बच्चन ने अभी तक कितने करोड़ रुपए का कारोबार कर लिया है OTT प्लेटफॉर्म पे। तो दोस्तों आप लोगों को बता दें कि अभिषेक बच्चन की फिल्म बिग बुल ने अभी तक OTT प्लेटफॉर्म पे 250 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर दिया है। जी हाँ, दोस्तों वहीं बात कर लेते हैं आज इस फिल्म को 74वां दिन है और अपने 74वें दिन में कितने करोड़ रुपए का कारोबार कर रही है। दोस्तों आप लोगों को बता दें कि ये अपने आज के दिन 3 लाख का कारोबार कर रही है OTT बॉक्स ऑफिस पर। दोस्तों अगर आप लोगों ने दोनों मूवियाँ देखी है, आपको दोनों मूवियों से सबसे बेस्ट मूवी, सबसे अच्छी मूवी कौन सी लगी आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। और साथ ही साथ हमारे और आपके चैनल GBC ब्रेकिंग को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारे इससे लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को मिलती रहे सबसे पहले। जय हिंद, जय भारत।